हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल कुमार फ्रॉम सूरज कंप्यूटर्स। आज मैं बताऊंगा कि किसी भी लैपटॉप में विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास ये बुटेबल पेन ड्राइव है विंडोज 10 की UEFI वाली, और ये एक लैपटॉप आया है मेरे पास HP का पवेलियन, तो हम इसमें विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे। तो आपके पास ये पेन ड्राइव होनी बहुत ज़रूरी है जिसमें विंडोज 10 की फाइल होती है। तो आप इसको लगाने के बाद आप देखोगे कि HP का जो बूट मेनू में जाने के लिए जो की होता है वो F9 होता है। तो ऑन करने के बाद फंक्शन के साथ इसमें F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है USB हार्ड ड्राइव सैंड डिस्क का। तो इस पे ले जाने के बाद मैं अगर जो एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि ये बूट हो जाएगा मेरे पेन ड्राइव के थ्रू। 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है कभी कभी, या कभी कभी उससे कम भी टाइम लेता है। बूट होने के बाद ये देखिए विंडोज़ सेटअप आ गया है, जिसमें ये पूछ रहा है कि ये लैंग्वेज वगैरह और टाइम एंड करेंटली फॉर्मेट जो होगा वो करेंसी फॉर्मेट जो होगा वो कौन सा होगा। तो आगे चल के हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पे प्रेस कर अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरे पेन ड्राइव में विंडोज़ की फाइलें हैं वो सिलेक्ट करने के लिए मुझे ऑप्शन दे रहा है। तो मुझे इसमें विंडोज़ 10 करना है, एक्टिवेटेड वर्जन वाला जो प्रोफेशनल है, 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये लाइसेंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म आएगा, उसे एक्सेप्ट करके फिर नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद हम कस्टम करते हैं। कस्टम करने के बाद इसमें जो पार्टीशन दिख रहे हैं वो पार्टीशन को हमें डिलीट करके दोबारा से क्रिएट करना होता है, ताकि जो पहले के विंडोज़ हैं वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएं और उनकी जो फाइलें हैं वो भी पूरी तरीके से डिलीट हो जाए, और जो नई विंडोज़ हम इसमें विंडोज़ 10 डाल रहे हैं वो उसी की फाइलें हो, ताकि ये काम करे बढ़िया से, डिस्टर्ब ना करें। इन सबको डिलीट करने के बाद, इसको भी डिलीट करने के बाद नया पार्टीशन हम एक क्रिएट करेंगे। सी और डी ड्राइव को वैसे ही छोड़ देंगे, और डी और ई को बाद सिर्फ सी ड्राइव को नया पार्टीशन हम बना लेंगे। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नया पार्टीशन और इसके साथ जो रिकवरी सिस्टम और MSR का जो रिजर्व पार्टीशन है वो MVs में तैयार हो गए। अब इसको फॉर्मेट करने के बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये एक्चुअली 1x1 करके सारे 100% होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए वीडियो स्किप करते हैं।